वेलकम टू माय चैनल एसएच फैशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान डिजाइन लेके आई हूँ। ये देखिए, ये आप बॉर्डर पर बना सकते हो या आप चाहे तो पूरी स्वेटर पर भी इसको बना सकते हो। चाहे तो लेडी स्वेटर बनाइए, जेंट स्वेटर बनाइए, या जैकेट बनाइए, ब्लाउज बनाइए, शॉल मफलर किसी पे भी आप इसको बना सकते हो। देखिए कितना प्यारा है ये। सिर्फ दो रो का ये डिजाइन है और हर दो रो के बाद ये डिजाइन रिपीट होता है। ये देखिए फली की शेप में थोड़ी थोड़ी ये डिजाइन आता है। ये देखिए बहुत ही इजी है ये बनाने में और देखने में बहुत ही सुंदर ये डिजाइन है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं इसको। इसको बनाने के लिए जितने भी आप फंदे डालने चाहते हैं उसमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कुछ भी हमें गुणा नहीं करना है। इसमें हमें जितने भी फंदे चाहिए उतने हमने लगा लेने हैं। जितने भी आपने फंदे आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने फंदे लगा लिए। हमारी रोवन है राइट साइड से। अब इसमें देखिए पहला फंदा तो हम ऐसे ही सीधा उतार लेंगे और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आपको जो धागा दिख रहा है, इन दो फंदों के बीच में ये धागा होता है, यहां से हम एक फंदा सीधा बना लेंगे सोल से और आगे वाला फंदा भी हम सीधा बना लेंगे। इस पूरी रो में हम यही करते जाएंगे। ये देखिए एक फंदा हम यहाँ बीच में से बनाएंगे इस तरह से और उसके साथ आगे वाला फंदा भी हम सीधा बना लेंगे। ये सीधे ही हम बना रहे हैं फंदे यहाँ पर। फिर से देखिए ये धागा आपको जो दिख रहा है बीच में, इसमें से हम एक फंदा बनाएंगे और आगे वाला फंदा भी हम इसके साथ सीधे ही बनाएंगे। पूरी रो हम ये सीधी ही बना रहे हैं, बस बीच में से हम एक फंदा यहाँ पर निकाल रहे हैं, इससे हमारी ये जाली यहाँ पर आती रहेगी। तो इसी तरह से आपने पूरी रो कंप्लीट करनी है। रो वन राइट साइड से बहुत ही इजी और सिंपल सा ये डिजाइन है और देखने में बहुत ही प्यारा है ये। इसी तरह से आपने पूरी रो में करते जाना है। इस तरह से देखिए रो वन मैंने यहां पर कंप्लीट कर ली है। लास्ट के दो फंदे मेरे पास बचे हैं। एक बार मैंने यहां से इस होल से ये बना लिया फंदा, अब आगे वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे और उसके बाद लास्ट का फंदा हम यूं ही सीधा बना लेंगे। इस तरह से ये हमारी रो वन हो गई है राइट साइड से। ये देखिए कितना प्यारा है ये डिजाइन। अब आ जाइए रो टू में रॉन्ग साइड से। रॉन्ग साइड से देखिए इस तरह से ये डिजाइन दिखता है। अब रॉन्ग साइड में पहला जो फंदा हमने ऐसे ही बनाया उसको हम ऐसे ही पकड़ लेंगे उल्टा यूं और उसके बाद देखिए आगे वाले दो फंदे हम यहां पर दो दो फंदे हम इकट्ठे बनाते जाएंगे, क्योंकि पिछली रो में हमने जाली जो एक फंदा हम नीचे से उठा के बना रहे थे तो वहां पे हमारा एक एक फंदा बढ़ रहा है। तो हम इस रो में वो हमारे पूरे फंदे कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने 27 फंदे डाले थे। दो फंदे हम यहाँ पर इकट्ठे बनाएंगे, उल्टे बनाएंगे, लेकिन धागे को हम वैसे यूं घुमाते हैं सीधा, हम इसमें सीधा नहीं, हम यूं धागे को घुमाएंगे, उल्टा हम इसमें धागे को घुमाएंगे और ये दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे इकट्ठे। एक बार फिर से यहां पर देखिए पूरे रो में हमने ऐसे ही करते जाना है। दो फंदे हम इकट्ठे बनाएंगे और धागे को हम यहां पर उल्टा घुमाएंगे इसी तरह से। इस तरह से देखिए फिर से इस धागे को हम यूं उल्टा घुमाएंगे, पीछे की तरफ को हमने ये धागा घुमाना है। तो इसी तरह से हमने इस पूरी रो में करते जाना है। पूरी रो आपने ऐसे ही बना, हम ये उल्टे रहे हैं फंदे, बस धागा हमने उल्टा घुमाना है इस तरह से। अब इस तरह से देखिए रो टू मैंने पूरी यहां पर कंप्लीट कर ली है। लास्ट का फंदा मेरे पास बचा है एक, वो हमने ऐसे ही उल्टा बना लेना है। तो इस तरह से देखिए ये हमारी रो वन और रो टू यहां पर कंप्लीट हो गई है और इसी तरह से आपने बनाते जाना है और आपका ये डिजाइन इसी तरह से आता जाएगा। कुछ भी आप बना सकते हो। और चलिए अब रो वन और रो टू ही कंटिन्यू करना है, जितना भी आप डिजाइन डालना चाहते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा।